So, today's topic is the UN in a unipolar world. What do you understand by this word unipolar? Any idea about it? Anyone? Okay, no one. Unipolar in international politics. No, ma'am. Okay, no problem. Unipolar in international politics is a distribution of power in which one state exercises most of the cultural, economic and military influence. यहाँ पर क्या होता है कि एक ही यहाँ पे powers का distribution होता है international politics को लेकर के देखा जाए तो, और वहाँ पे एक ही जो state है वो ही उनकी जो mostly जो cultural, economic और military influence होता है वो एक ही state का होता है. मतलब एक ही power जो है वो dominate करती है बाकी, एक ही state जो है वो dominate करती है बाकी members को. अब UN जो है उसको unipolar क्यों बोला गया है बल्कि context में. No one is in the waiting list. Okay. Among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with the unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. अब यहाँ पर जो concerns दिखाए गए थे कि वापस से UN को reform कर रहे हैं, restructure कर रहे हैं, वहाँ पर जो है UN जो है उस बाकी कंट्रीज़ को लेकर के वहाँ पे ये बोला जा रहा था कि वो उम्मीद करी जा रही थी कि यूएन जो है वो अच्छे से लोगों के साथ कोऑपरेट करेगा और यूएस जो है वो ही यूनिपोलर बन के ना रह जाए सिर्फ. ठीक है, यूएस वाज द रोहिन खान, गुड मॉर्निंग. ओके, सो वेयर वर वी? ओके, UN go better with a unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. अब UN के अंदर US जो है वो बहुत ही powerful country थी, वहाँ पे कोई इसके serious rivals नहीं थे, opposition में नहीं थे. Can the UN serve as a balance against US dominance? अब UN जो है क्या वो एक balance लेके चल सकता है, क्योंकि US जो है वो related है, UN जो है वो related है US से, और US जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हो गया था. ठीक है, तो क्या उसकी डोमिनेंस के रहते हुए क्या वो बैलेंस बना पाएगा? कैन इट हेल्प मेंटेन अ डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये मेंटेन कर पाएगा एक प्रॉपर डायलॉग, यानी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द US, और US के साथ में पूरे वर्ल्ड, दोनों को कंपैरेटिवली बैलेंस बना करके चलना है सबके साथ में. Prevent America from doing whatever it wants. और क्या अमेरिका को ये रोक पाएगा, US को ये रोक पाएगा कि वो जो भी करना चाह रहा है खुद के बेटरमेंट के लिए उससे और सबके इंटरेस्ट को लेकर के साथ में चल पाएगा? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि US से इन्फ्लुएंस्ड है तो US के बारे में ही सोचे. US power cannot be easily checked. US की पावर जो है वो इजीली चेक नहीं की जा सकती. फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द US स्टैंड्स एज द गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. First of all, good morning, ma'am. Good morning. First of all, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. अब US की power पहली बार तो check नहीं की जा सकती proper. और जब Soviet Union power में नहीं है तो US जो वो इकलौता super power है, its military and economic power all allow it to ignore the UN or any other international organization. और इसकी ऑब्वियसली बात है, जब ये सुपर पावर है तो इसकी मिलिट्री भी पावरफुल होगी और ये इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल होगा, तो इसलिए ये इग्नोर कर सकता है यूएन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. सेकेंडली, विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज़ कंसिडरेबल. दूसरी चीज़ देखी जाए तो यूएन जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस के उसमें है, उसकी प्रॉपर नीव जो है बेस, जो उसका बेस है वो यूएस ने ही खड़ा किया है. एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन, द यूएस हैज़ अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर. अब वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएन के अंदर. ठीक है, इसीलिए यूएस जो है उसकी अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर है. फाइनेंशियल यानी कि उसके ग्राफ को कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है.
The fact that the UN is physically located within the US territory, और ये सबको पता है कि UN जो है वो physically कहाँ पे located है, इसके headquarters कहाँ है, US की territory में, gives Washington additional sources of influence. और आपको पता होगा कि Washington DC जो है is the capital of USA, तो वहाँ पर जब ये UN उसकी territory में, उसके headquarters Washington DC में है, District of Columbia, तो वहाँ पर उसके एडिशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोर्सेज हैं उसके पास में कि वो उसके प्रॉपरली उसके तरीके से काम करे, यूएस के तरीके से यूएन वर्क करे. द यूएस आल्सो हैज़ मेनी नेशनल्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी, और यूएस के कई सारे नेशनल्स जो हैं वो यूएन की ब्यूरोक्रेसी में हैं. जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एनीवन? ऑफिशियल्स हु कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, गुड. A system of government in which most of the important decisions are taken by the state officials rather than by elected members. ठीक है. In addition, with its veto power, the US can stop any move that it finds annoying for the damaging to its interest or the interest of its friends and allies. अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक तो UN जो है US की टेरिटरी में, और वहाँ पर उसके नेशनल्स जो है उसके ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी अपॉइंटेड हैं, तो एडिशन में इसके सब में क्या है कि यूएस के पास, यूएस एक इसमें परमानेंट मेंबर है, और परमानेंट मेंबर्स का आपको पता ही है क्या होता है, उनके पास में स्पेशल प्रिविलेज क्या है कि उनके पास वीटो पावर होती है. तो यूएस जो है वो किसी भी डिसीजन को या किसी भी मूव को जो उसको लगे कि वो उसके हित में नहीं है, उसके फेवर में नहीं है, या उसके किसी भी इंटरेस्ट को डैमेज कर सकता है, ये वीटो पावर यूज़ करके उसको पहले ही रोक सकता है, या इसके फ्रेंड्स या इसके जो बाकी फ्रेंडली नेशंस है या इसके जो एलीज हैं उनको लेकर के अगर देखा जाए तो उनके अगर इंटरेस्ट में भी कोई चीज़ अगर नहीं जा रही होगी तो ये अपनी वीटो पावर का यूज़ कर सकता है. द पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंश्योर दैट वॉशिंगटन हैज़ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन. अ पावर जो है यूएस की, और वीटो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वीटो पावर जो है यूएस के पास में, ये भी पक्का करता है कि वॉशिंगटन जो है उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिग्री, यानी कि उसको एक प्रॉपर स्टैंड मिले उसके चॉइस जो है सेक्रेटरी जनरल के यूएन की, उसके अंदर वॉशिंगटन डीसी में से ही जिसके नेशनल्स पहले से ब्यूरोक्रेसी के अंदर है उन्हीं में से कोई अपॉइंट हो. ऑब्वियसली बात है, अगर ये बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यूएस बेस है ऑर्गेनाइजेशन का किसी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूएन की, तो वो ये पक्का ज़रूर करेगा कि उसी के ऑफिशियल्स जो हैं वो वहाँ पर अपॉइंट किए जाएँ टू सपोर्ट यूएसए इन फर्दर decisions. The US can and does use this power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policies. US जो है कर सकता है और करता भी है इस power को split करने में, यानी बांटने में, the rest of the world यानी world को बांटने में, and reduce the opposition to its policies. इसकी जो policies है, the policies built and supported by USA, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए और अपने उस पॉलिसी के अपोजिशन को कम करने के लिए यूएस जो अपनी पावर्स का यूज करता है. एनी प्रॉब्लम चलना? नो मैम. ओके, थैंक यू. द यूएन इज नॉट देयरफॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएसए. यूएन जो है वो सही बैलेंस नहीं कर पा रहा है यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो. नेवरदलेस, in a unipolar world in which the US is dominant, और उसी तरीके से UN unipolar world देखा जाए तो उसके अंदर US जो है वो डोमिनेट कर रहा है बाकी स्टेट्स को, the UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussion over various issues. और UN जो है उसने पहले भी किया है, सर्व किया है US को और बाकी नेशंस को, ठीक है, वर्ल्ड के जिसको बिठाया है इन्होंने वेरियस इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए. यूएस लीडर्स इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएन डू सी द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग अ पर्पस इन ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 190 नेशंस इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यूएस के लीडर जो है भले ही वो जो है प्रॉपर फ्रीक्वेंटली उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा हो, आलोचना मिल रही हो यूएन से, फिर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को वो उसी पर्पस के साथ में लेकर के चलते हैं कि वो उनको 190 नेशंस के साथ में डील करना है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है. एज द रेस्ट
As for the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies. बाकी वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो यूएन जो एक अरीना यानी एक स्पेस प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पर यूएस जो है वो अपने एटीट्यूड को मॉडिफाई कर सकता है और अपनी पॉलिसीज को भी मॉडिफाई कर सकता है फॉर मेकिंग अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रेयरली यूनाइटेड अगेंस्ट वॉशिंगटन. और बाकी वर्ल्ड जो है वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वॉशिंगटन के अगेंस्ट में खड़ा हो. एंड वाइल इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैलेंस यूएस पावर, द यूएन डज प्रोवाइड अ स्पेस विद इन विच आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड एंड पॉलिसीज आर हर्ड एंड कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेशंस कैन बी शेप्ड. और देखा जाए वर्चुअली ये इम्पॉसिबल है एक बैलेंस बनाना यूएस जैसी पावर के अगेंस्ट में, क्योंकि यूएन जो है वो भले प्रोवाइड तो करा रहा है एक स्पेस जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स उठते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस पे, कुछ पॉलिसीज पे विच आर यू नो बिल्ड बाय यूएस, उनके बारे में सुना भी जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी किए जा रहे हैं, कंसेशंस भी दिए जा रहे हैं, बट इतना इफेक्टिव नहीं है ये. द यूएन इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी, यूएन जो है वो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ, लेकिन इसके बिना वर्ल्ड जो है वो और भी बुरा हो सकता है. गिवन द ग्रोइंग कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन सोसाइटीज एंड इशूज वॉट वी ऑफन कॉल इंटरडिपेंडेंस. अब यहाँ पे क्या है, कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, लिंक्स बढ़ रहे हैं सोसाइटीज़ के बारे में, इश्यूज जो है वो देखे जा रहे हैं. वॉट वी ऑफन कॉल, हम इसको बोलते हैं अक्सर इंटरडिपेंडेंस. इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 billion पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूएन. हमें ये उम्मीद नहीं कर सकती या इमेजिन नहीं कर सकती 7 billion पीपल जो है वो कैसे रहेंगे अगर यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिसीज जो हैं वो डिस्कस भी हुई हैं इसमें और सॉल्यूशंस भी निकले हैं. टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू इंक्रीज प्लैनेटरी इंटरडिपेंडेंस. टेक्नोलॉजी जो है हमें पूरा प्रोमिस कर रही है कि प्लैनेटरी इंटरडिपेंडेंस जो है वो बैठेगी. देयरफॉर The importance of the UN will only increase, और importance जो है UN की वो सिर्फ बढ़ेगी ही. Planetary interdependence से मतलब है कि यहाँ पे सब अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी करना चाह रहे हैं वो करेंगे, proper rules और regulations follow किए जा रहे हैं, हालांकि एक दूसरे पे dependent हैं. Peoples and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and the interest of the international community more broadly. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लोग बाग और गवर्नमेंट जो है वो तरीके ढूंढ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए और यूज़ करने के लिए यूएन को और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरीके से कि उनके खुद के इंटरेस्ट जो हैं वो भी फुलफिल हो और इंटरेस्ट जो बाकी के हैं जैस एन इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी पूरी तरह से हो पाए. सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस और यू कैन आस्क. Yeah. Ma'am, why UN is an imperfect body? Sorry, can you repeat it because your voice is not audible clearly? Or you can use that chat. Oh, beta. Seriously, you can use that chat option to write your query because your voice is disturbing. It's not clearly audible. Anyone else? Are we able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. These are some points which I, you know, conjure up all the research and development work through all the research and development work. So basically, these are some points related to your topic, and I think you should also read them. Or you should also, you know, go through them at least for once. First point is the United Nations was established in 1945, immediately after the Second World War. It was a successor to the League of Nations, which was formed after the First World War. ये first point जो है ये हमने पढ़, ये सारे अपने पढ़े हुए points हैं, बस अपन इनको एक बार और पढ़ रहे हैं. These will be your takeaway points. The second point, objective of United Nations is to prevent international conflict and to facilitate
कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करे और कोऑपरेशन ले सारे जितने स्टेट्स उसके मेंबर्स हैं उनको सबको कोऑपरेट करवा करके चले. थर्ड इज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दे आर 5 परमानेंट मेंबर्स. 5 परमानेंट मेंबर्स थे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. और दूसरे नॉन अदर एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स. हर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है कि वो हर 2 ईयर्स में एवरी 2 ईयर्स के बाद में वो री इलेक्ट किए जाते हैं या कुछ जो है री इलेक्ट नहीं होते इलेक्ट किए जाते हैं. और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो अभी जैसे 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट हुआ तो वो आने वाले 2 ईयर्स में वापस से सिलेक्ट नहीं होगा, किसी और को मौका मिलेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर ऑफ द यूएन इज द सेक्रेटरी जनरल. पब्लिक फिगर के तौर पे देखा जाए तो यूएन का सेक्रेटरी जनरल जो है वो पब्लिकली आकर के स्टेटमेंट देते हैं, डिसीजंस देते हैं, या पब्लिक ओपिनियन सुनी की रहती है. एनी प्रॉब्लम? 3 पॉइंट्स बताए अभी तक मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम. ओके बेटा. Now fourth point, there are different structures and agencies of UN. इसके different structures और agencies हैं UN की. इनके अंदर आते हैं World Health Organization, WHO, the United Nations Development Program, the United Nations Human Rights Commission, the United Nations High Commission for Refugees, and etc. ठीक है. Then reform of the United Nations after the Cold War. Reform कैसे हुआ था Cold War के बाद में United Nations? Reforms and improvements are necessary for any organization to perform better. Reform hua tha aur improvement laya tha jisse organization acche se kaam kar sake. The UN is also not an exception. UN jo hai wo exception nahi ki wo bilkul perfectly made hai aur wo hi pura perfect kaam karega. Nahi, UN mein bhi improvements kiye ja sakte hain. There have been demands to bring a reform in the UN. Demand ki ja rahi thi UN ke andar reform lane ki. 2 demands have been raised. Do डिमांड्स जो हैं वो इन रेस की जा रही थी. पहली थी रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, पहला ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस करने का तरीका, और अ रिव्यू ऑफ द इशू दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और एक रिव्यू उस पूरे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्क कि ये सही काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी एक रिव्यू होना चाहिए. On the reform of structure and processes, there has been the demand to increase the membership of permanent and non-permanent in UN Security Council. और ये भी हमने पढ़ा था कि डिमांड के अंदर ये भी बोला जा रहा था कि मेंबरशिप जो है वो परमानेंट मेंबर्स की और नॉन परमानेंट मेंबर्स की वो भी इंक्रीज करनी चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में. Then on the issues within the jurisdiction of the UN, some countries want the organization to play a greater role in peace and security missions. और ये भी दिया जा रहा था jurisdiction of UN के अंदर कि कुछ countries ये demand कर रही थी कि organization को ज़्यादा role, यानी कि ज़्यादा role ऐसे उसको ज़्यादा काम करना चाहिए peace और security missions को लेकर के, all over international जो peace उनका main motto है उसको लेकर के. फिर while some other countries while some other countries want the role of the UN to be confined, what is this? Okay. While some other countries want the role of the UN to be confined to the development and humanitarian work, और बाकी countries जो हैं वो demand कर रही थी कि काम जो है UN का वो रहना चाहिए development और humanitarian work को लेकर के, ये develop करो और ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है रिलेटेड टू ह्यूमन ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वर्क जो है वो ज़्यादा किया जाए. सो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा. और